Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. I, Engr. Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today we will discuss the MCQs of chapter number 8, First Year Mathematics KPK Pakistan. Students, all subjects के लिए मेहनत चाहिए, मगर मैथमेटिक्स पे स्पेशली अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मैथमेटिक्स सीख जाए. वो कहते हैं कि द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू स्टडी मैथमेटिक्स. तो प्रैक्टिस आप ज़रूर करें स्टूडेंट्स. ये कोई इंग्लिश नहीं है या कोई उर्दू नहीं है, नावल वगैरह नहीं है कि आप इसको पढ़ के सीख जाएंगे. मैथमेटिक्स आप बिल्कुल पेन पेंसिल आप लेंगे, इसको इन चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे, तब जाके इनको आपको समझ आएगी और आपकी इन पर ग्रिप आएगी. स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू आवर एमसीक्यूज. द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, और इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल. कामा अगर आप डालते हैं तब भी ठीक है, अगर ना डालें तब भी ठीक है. बुक में कामा डाला गया है. स्टूडेंट्स, इसको हम अगर आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं. वन इज क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल. अगर मैं लिखूं ये ए बी, इसको आप बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी या क्लोज्ड इंटरवल ए, क्लोज्ड इंटरवल बी. यानी वो जो चीज़ है, वो चीज़ जो भी है, चाहे डोमेन हो, रेंज हो, जो भी हो, ठीक है, जो आप स्टडी कर रहे हैं वो चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स, उसमें बी, मैक्सिमम बी, मिनिमम ए एंड बी आर इंक्लूडेड. यानी वो जो चीज़ है उसमें ए वो या बी है या बी से कम और उस तरफ ए या ए से ज़्यादा. यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डोमेन है तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू बी और लेस देन बी और ग्रेटर देन ए या इक्वल टू ए. ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये इसको हम बोलते हैं क्लोज. इस तरह ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल. स्टूडेंट्स, इंटरवल पे मेरी एक वीडियो है, अगर आप इंटरवल की आपको समझ नहीं आती तो आप ज़रा इस पर यूट्यूब में दे इंटरवल बाय इंजीनियर माजिद अमीन, तो इंटरवल वाला वो आ जाएगा. फंक्शन की उसमें है, फंक्शन चैप्टर में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि व्हाट आर इंटरवल्स, मगर यहाँ पे फिर भी ये तो उसमें लेस देन बी वो चीज़ बी से कम है और ए से ज़्यादा है. स्टूडेंट्स, अगर आप ये करेंगे ए बी तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल ए, ओपन इंटरवल बी या ओपन इंटरवल ए बी. ये ओपन इंटरवल ए, क्लोज इंटरवल बी, यानी वो चीज़ जो है ना वो ए से ज़्यादा है, यानी ए इंक्लूडेड नहीं है और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू बी है. नंबर एक ये बात आपको समझ आ गई. दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको पता है कि दो चीज़ों में आंसर आपका नहीं आता जिनको हम बोलते हैं अनडिफाइंड. एक है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर जीरो हो तो वो अनडिफाइन है, यू डी अनडिफाइन. आप इनको इन्फिनिटी ना कहें, इन्फिनिटी सेकेंड ईयर का टॉपिक है. अगर ऑफ कोर्स इन्फिनिटी इसका आंसर है, मगर फिर भी आप फिलहाल अनडिफाइन कहें. 2/0 या अनडिफाइन इसका आंसर नहीं है, ये मुझसे बयान नहीं होता. 2/0, 3/0 इज़ अनडिफाइन, 0/2 इज़ 0, 2/0 इज़ अनडिफाइन. इस तरह स्टूडेंट्स, अगर ये आप करते हैं कि स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव हो तो वो भी आपका अनडिफाइन होगा. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पर √-2 ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका अनडिफाइन है. √-3 अनडिफाइन एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना, अब आप कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट डोमेन मीन्स एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से फंक्शन डिफाइन हो, इनको हम बोलते हैं डोमेन. डोमेन पर मेरी वीडियो है, आप डिटेल से देख सकते हैं. डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन बाय इंजीनियर माजिद अमीन, आप यूट्यूब पे देंगे तो आपको वीडियो आ जाएगी. अब स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अब आप -2 नहीं पुट कर सकते, बिकॉज x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -2. x को आप -2 नहीं दे सकते. अगर आप -2 देंगे तो यहाँ पे आप पुट करें -2, -2 + 2 इज 0, ऊपर आ जाएगा 4. तो स्टूडेंट्स 4/0 इज अनडिफाइंड, नंबर एक. दूसरी बात ये स्टूडेंट्स कि आपने स्क्वायर रूट को नेगेटिव नहीं करना. तो ये अगर आप गौर से देखते हैं, ये चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर है, तो x की वैल्यू अगर 2 हो इट्स ओके. x की वैल्यू अगर 2 हो तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट 2 होगा तो 2 - 2 इज 0, 2 + 2 इज 4, 0/4 इज 0, इट्स ओके. मगर 2 से अगर आप ज़्यादा पुट करेंगे, ये तो पॉजिटिव है मगर ये पे 2 से ज़्यादा अगर पुट तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा. जैसे x इक्वल टू -3 फॉर एग्जाम्पल, ये तो यह आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा -3 + 2. एक्स अगर आप पुट करेंगे, टू से ज़्यादा, तो ये 2 से 3 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 3, नीचे है 3 + 2. स्टूडेंट, यह आ जाएगा -1/3, इट इज़ नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर. यानी ये एक्चुअली ये चीज़ है y इज इक्वल टू दिस, तो फिर तो आपका y आ जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू दिस. स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियरली अनडिफाइंड, इट इज़ अनडिफाइंड. तो लिहाजा आप x को टू से ज़्यादा पुट नहीं कर सकते, बिकॉज टू से अगर आप ज़्यादा पुट करेंगे तो यहाँ पे टू माइनस ग्रेटर देन टू, इट मे बी 2.1, टू से ज़्यादा 2.001 भी है, तो मगर मैंने 3, 4, 5 ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा डिस्टिंग। अच्छा दूसरी बात, अगर आप x यहाँ पे आप देखिए नीचे, अगर आप x माइनस टू से कम पुट करेंगे, माइनस टू से कम, तो स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू -3, तो ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ये नीचे आ जाएगा ये नेगेटिव नंबर, ऊपर आ जाएगा 5/-1 और ये आपका अनडिफाइन है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आप मैक्सिमम पुट कर सकते हैं 2, ये है 0 स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव में आप इसमें 2 पुट कर सकते हैं, 2 इज़ इंक्लूडेड, यानी आप ये 2 पुट कर सकते हैं, मगर आप -2 पुट नहीं कर सकते, -2। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन होल कर दूंगा, ओपन होल, बाकी ये सब आप पुट कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स ये ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आप ये सब पुट कर सकते हैं, ये 2 से कम और -2 से ज़्यादा, 2 से कम और -2 से ज़्यादा, मतलब ये है कि जैसे ये -1, 0 ये सब आप पुट कर सकते हैं, 2 से आप तजावुज़ नहीं कर सकते और -2 से आप -2 और -2 से कम आप नहीं जा सकते, बिकॉज -2 से अगर आप नीचे जाएंगे तो ये वाला ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा, -2 से अगर आप कम पुट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव टू नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव, मगर नीचे नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। और ऊपर अगर आप 2 से ज़्यादा पुट करेंगे तो 2 से ज़्यादा, तो ये फिर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये इसका है, तो आप 2 पुट कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका डोमेन क्या है, डोमेन ये लेस देन आर इक्वल टू 2 और ये -2, ये ओपन इंटरवल है तो -2 आप नहीं पुट कर सकते, ग्रेटर देन -2, लेस इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन -2, ये सब इसका क्या है स्टूडेंट, ये सब इसका डोमेन है। ये सब वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो यू विल गेट सम वैल्यूज ऑफ वाई, वी से द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दीज वैल्यूज, और इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में कि ये इसका डोमेन है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। Students, the second MCQ, set A is equal to this, set B is equal to this, and a function from A to B, a function from A to B. इसको आप पढ़ते हैं, a function from A to B defined by f(x) is equal to x square. Then the function is 1, 1 only, on 2 only by adjective. 1, 1 function, students function इस पर है, on 2 function, into function. On 2 function वो function जिसका range set B के बराबर हो, 1, 1 function जिसके range में repetition ना हो, ठीक है students, by adjective जो कि 1, 1 और on 2 both हो, और function उसका नाम है जिसके domain में repetition ना हो, डोमेन सेट A के बराबर हो। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप ये मैं प्रैक्टिकली कर दूंगा, अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो A की वैल्यूज हम पुट करेंगे, अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेट A हुआ फॉर एग्जांपल, और दिस इज अब माय सेट B, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक मैं प्रॉपर कर दूंगा, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप ज़रा इसमें ज़रा ये एक्स इज इक्वल टू -1 आप करें, सेट ए में -1 है सबसे पहले, तो -1, -1 स्क्वायर यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, तो -1 का इमेज है 1, या हमने -1 इसको, इस फंक्शन ने -1 को मैप किया 1 के साथ। इस तरह अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर इज 0, राइट स्टूडेंट्स। अगर आप इसी तरह 1 पुट करेंगे, ए के एलिमेंट्स हैं ये 1, तो 1 स्क्वायर b 1 के बराबर है। अच्छा अब आप इसमें अगर आप 2 पुट करेंगे, 2x इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 1, तो वहाँ पर भी 1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 को आपने दोबारा फिर 1 दिया, आपने इसको 1 पुट करने के नतीजे में इससे दोबारा फिर हमें 1 आउटपुट दिया, तो इसका मतलब है कि रेंज इज़ रिपीटेड, राइट स्टूडेंट्स। एंड ये चीज़ है एक्चुअली -1, 1 स्टूडेंट्स, 0, 0, 1, 1 और 2,4, तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, आर टू फंक्शन। इसका रेंज सेट बी के बराबर है। इसका रेंज अगर आप मालूम करते हैं तो इसका रेंज है स्टूडेंट्स 0 1 4 और ये सेट बी के बराबर है 1014 तो नहीं कहते हैं 104 का है या 014 का है या 104 एक ही चीज़ है 104 तो इसका रेंज सेट बी के बराबर है लिहाजा आन टू है। और चूँकि इसके रेंज में रिपीटिशन है लिहाजा नॉट 1 1 ये 1 1 नहीं है तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी ओनली आन टू। Students, third MCQ along with options given to you कि a function from R to R defined by this, तो आप inverse में f inverse at these values and inverse में अगर आप ये values put करेंगे तो इसको आप बोलते हैं f inverse। Students, तो once again आपने inverse मालूम करना है। you know कि f of x को हम y नाम देते हैं questions में, तो x पर बराबर है f inverse at y या f inverse of y, तो आप inverse मालूम करेंगे students। तो ये हमारा y है, एफ ऑफ एक्स वाई चीज़ है, आप इससे x की वैल्यू मालूम करें तो x विल बी इक्वल टू वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 राइट स्टूडेंट्स। अब x की वैल्यू है f इनवर्स y एंड देन रिप्लेस, ये है f इनवर्स एट y, y पर f इनवर्स की वैल्यू तो f इनवर्स ऑफ x या f इनवर्स एट x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 स्टूडेंट्स। तो अब आपके पास एफ इनवर्स आया एंड इनवर्स इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आया। अब आप इसमें पुटिंग करें तो एक्स पहले गिवन है -1 प्लस 5 4 बाई 3, फिर एक्स है इसमें -2 ये 3 बाई 3 इज इक्वल टू 1, प्लस 5 6 6 डिवाइड बाई 3 इज 2, फिर है x इज इक्वल टू 2 7 बाई 3 स्टूडेंट्स। तो ये इसका इसके इमेजेस हैं इनवर्स के इन वैल्यूज पर, तो 4 बाई 3 1 ये ऑप्शन आप देखें, फिर 4 बाई 3 1 2 7 बाई 3 तो 1 2 7 बाई 3 4 बाई 3 है ऑप्शन नंबर सी right students। let's discuss MCQ number 4 students। MCQ number 4 along with options के f of 2x plus 3 इसके बराबर है तो f of 3x plus 2 क्या होगा। f of 2x plus 3 यानी फंक्शन में हमने 2x plus 3 पुट किया है तो ये हमारा इमेज है आउटकम है। और तो ये तो स्टूडेंट्स अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि आपके पास ही वैल्यू अगर हो ना f की वैल्यू किसी सिंगल वेरिएबल पर यानी f की वैल्यू x पर या अगर हो तो फॉर एग्जांपल जो भी है तो फिर आप इसमें जो भी पुट आप इसमें 2 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर ही आ जाएगी। तो यहाँ पर भी x की, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 पर गिवन है। तो सिंपल सा तरीका आप ये कर सकते हैं इसके साथ कि ये है स्टूडेंट्स एफ ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसको आप एक कोई वेरिएबल नाम दें कैपिटल X, स्मॉल x हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड सो आई विल से दैट लेट x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको मैंने कैपिटल X नाम दिया, 2x प्लस 3 को मैंने कैपिटल X नाम दिया एफ ऑफ एक्स राइट स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं 2x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस 3 तो x विल बी इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 ठीक है स्टूडेंट्स x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब आपको फंक्शन की वैल्यू किसी वेरिएबल पर आ गई x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 15। अब स्टूडेंट्स ये है, अब आप इसको अभी से सिंप्लीफाई करें या बाद में सिंप्लीफाई करें ये आप पर है। तो यहाँ पे आप x की जगह में क्या पुट करूँगा स्टूडेंट्स, ये मैं पुट करूँगा 3x प्लस 2 राइट स्टूडेंट्स। तो पुट, अब आप x की जगह इसको मैं रेड नाम दूँ, रेड x राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप x की जगह क्या पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ओके सही 4x - 3 + 12 x - 3 + 15। तो x है 3x + 2, 3x + 2। राइट स्टूडेंट्स, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3x - 1/2 होल स्क्वायर 2 - 3 इज -1। ये स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12/2 इज 6, ये आएगा 3x - 1 + 15 अपनी जगह। स्टूडेंट्स ये ऊपर होगा, अप्लाई आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a² + b² - 2ab, नीचे आ जाएगा 4 + 18x - 6। राइट स्टूडेंट्स 15 ये कैंसिल होगा। अच्छा 9x² एक है इसमें, 9x²। अच्छा 18x - 6x इज 12x, 1 - 6 इज -5 + 15 इज +10। तो ये वाला ऑप्शन आप इसमें देखें कौन सा स्टूडेंट्स, ये 10 इसमें है ऑप्शन नंबर बी, 9x² + 12x + 10। सबसे पहले आपने इसको एज अ होल एक वेरिएबल नाम देना है कि यह अगर कैपिटल X हो तो इस तरह फिर X की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, तो X की वैल्यू आप मालूम करें, इसे यहाँ पे पुटिंग करें और आप तो प्रॉपर तरीक़ाकार आप सीख जाएंगे, तो देन थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू अदरवाइज। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस MCQ नंबर 5, 5th MCQ। f(x = x³ - 1/x, तो f(x + f(1/x), आई थिंक इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ सोल्यूशन। आप इस पर करेंगे तो f(x = x³ - 1/x। नाउ यू नीड इट्स वैल्यू f(1/x), तो सिंपल आप यू जस्ट पुट 1/x इन द फंक्शन, यू पुट 1/x इन द फंक्शन। यहाँ पे ये अब आ जाएगा x की जगह 1/x, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/x³, ये 1/x ऊपर तो -x³। अब आप इसमें ये सम करेंगे f(x + f(1/x)। f(x) इज गिवन x³ - 1/x³, स्टूडेंट्स प्लस, और ये हमारा है 1/x³ - x³। राइट स्टूडेंट्स ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 0, विच इज ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। The 6th MCQ, अगर फंक्शन की वैल्यू f(x = x² - 3x + 4, देन द वैल्यूज ऑफ x, आप x की वैल्यूज मालूम करें, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन, कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। स्टूडेंट्स ऑप्शन आपके सामने है, तो इट इज आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड। f(x) गिवन टू मी, सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f(2x + 1)। तो सिंपल आप 2x + 1 आप पुट करें फंक्शन में, 2x + 1, 2x + 1। a² + b² - 2ab - 6x - 3 + 4, 4x² - 6x + 2x - 2x, 4, 5 - 3, ये है आपका है 2। तो ये है वैल्यू किस चीज की, 2x + 1 की। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप नाउ गिवन टू अस f(x), यहां पे है x² - 3x + 4, और ये हमारा है 4x² - 2x + 2, इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई करें इसको, 4x² - x², 3x² - 2x + 3x + 1x, और ये आपका आ जाएगा -2। तो अब आप स्टूडेंट्स इस x की वैल्यू आप निकाली, x = -b, क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ कोर्स, b² - 4 * a * c √ / 2 टाइम्स a, स्टूडेंट्स -1 प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपका 12, 24, 1 + 24, 25 / 6, -1 प्लस माइनस 5। अब जमा करेंगे इसको तो 4/6, अब माइनस करेंगे तो -6/6, तो ये है 2/3, और ये आपका है -1। तो ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे 2/3 इसमें है, अदरवाइज दोनों ठीक है, मगर यहाँ पे एक है, तो देन द वैल्यूज ऑफ x दोनों सही है, 2/3 एंड -1। यहाँ पे सिंपल 2/3 गिवन है, तो ऑफ कोर्स हम करेंगे 2/3। द 7th MCQ इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन y = x upon √x² - 3x + 2, इट इज डैश, ऑप्शन गिवन। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे इसको इट इज़ डिनोमिनेटर में क्या चीज़ गिवन है, रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, यानी इसको अगर आप थोड़ा सा भी आपको अगर नॉलेज हो तो ये आप कर पाएंगे कि हाउ टू फैक्टराइज दिस। वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू से करके आप ये कर सकते हैं। ये अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट ये पॉजिटिव होना चाहिए। इट मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिव नंबर विद इन स्क्वायर रूट विल गिव यू अनडिफाइंड। नाउ इफ वी वांट दिस थिंग टू बी पॉजिटिव, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, ईदर दीज टू आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। अगर दो चीज़ें ज़रब है और ज़रब में है और पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव है जैसे ये, या दोनों नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल दिस, राइट स्टूडेंट्स। तो या तो ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, या ये नेगेटिव हो और ये भी आपका फिर नेगेटिव। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर होगा 2 से और x ग्रेटर होगा 1 से, या आप सॉल्व करेंगे x लेस होगा 2 से, x लेस होगा 1 से। तो 2 से भी x अगर ग्रेटर है और 1 से भी ग्रेटर है, x 1 से भी ग्रेटर है और 2 से भी ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि 2 से ग्रेटर है। जब 2 से ग्रेटर हो तो 1 से जो ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा। तो इन दोनों का कंबाइन, इसका कंक्लूजन ये कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। या अगर x 2 से कम है, ये आप देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4, x आप देखिए 1 से भी ग्रेटर है और 2 से भी ग्रेटर, मीन 2 से ग्रेटर है। ये आप देखिए x लेस है माइनस 2 से, x लेस है माइनस 2 से और x लेस है माइनस 1 से। तो इन दोनों में अगर x 1 से कम हो, x अगर 1 से कम हो तो ऑटोमेटिकली 2 से कम होगा। तो इसका मतलब है कि x 2 से ज़्यादा है और 1 से कम है। तो 2 से ज़्यादा का मतलब इसको आप किस तरह लिखेंगे, 2 से ज़्यादा और इन्फिनिटी तक, तो यह आपका होगा 2 से ज़्यादा। और वो 2 भी आप पुट नहीं कर सकते, 2 भी आप पुट नहीं कर सकते बिकॉज 2 माइनस 2 जीरो। तो हम लिखेंगे कि 2 ये ओपन इंटरवल 2 ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, और ये 1 से कम अगर उस तरफ तो माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी और स्टूडेंट्स आपका 1। तो इन दोनों का फिर यूनियन, इन दोनों का यूनियन एक्स आपका क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x 2 से ज़्यादा, x पहले 2 से ज़्यादा और 1 से ज़्यादा, तो x भी मीन्स कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, ये 2 से ज़्यादा है एंड दिस 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये है 1 2 3, x 1 से भी कम होना चाहिए और 2 से भी कम होना चाहिए। तो x 1 से पर कम है और 1 तो लेस द, और ये अप टू इन्फिनिटी, तो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन 1। तो फिर इन दोनों का यूनियन, ये इसका डोमेन होगा स्टूडेंट्स। ये क्या है, इन दोनों का यूनियन 2, ये माइनस इन्फिनिटी 1 यूनियन वो 2 इन्फिनिटी। ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी 1 यूनियन 2 इन्फिनिटी है ऑप्शन नंबर डी। लेट्स डिस्कस एमसीक्यू नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर, गेस द क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर द फॉलोइंग कर्व। एक कर्व गिवन है एंड यू हैव टू गेस अबाउट द क्वाड्रेटिक फंक्शन। स्टूडेंट्स गेस द क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर द गिवन कर्व एंड दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू यू। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब ए सच वो पॉइंट्स वगैरह नहीं गिवन है, मगर पॉइंट्स हमें पता चल जाएगा। एक तो ये स्टूडेंट्स के इट इज़ डाउनवर्ड, यू नो कि ये जो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड इट्स ग्राफ विल बी वर्टिकल पैराबोला, ईदर दिस ग्राफ और दिस ग्राफ। अपवर्ड पैराबोला इफ ए इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड पैराबोला इट विल बी ये, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो, बी और सी पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब इन दोनों में एक ही हमने करना है। अच्छा अब इसका वर्टेक्स है सेकंड क्वाड्रेंट में, वर्टेक्स के लिए वी, वर्टेक्स के लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स h कामा k, वेयर h इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और k इज इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप सी नंबर आप देखें, सी नंबर फंक्शन ये है माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 5 ए बी से। आप देखिए कि इसका क्वाड्रेंट, इसका वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पुटिंग करें माइनस बी डिवाइड बाई 2a और k इज इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। स्टूडेंट्स यह आ जाएगा 4 बाई माइनस 4, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और ये आपका आ जाएगा माइनस और -2/2 इज -1, तो ये इसका वर्टेक्स है -1 का मास 6, ये सी ऑप्शन है। अब डी वाला ठीक नहीं होगा, आप ज़रा ट्राई कर सकते हैं। ये यहाँ पे ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5, तो पहले आप एच मालूम करेंगे, -b/2a -b/2a स्टूडेंट, तो आप -2/2 इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू c-b² बाई 4a, c-b² बाई 4a स्टूडेंट्स -4 बाई -4, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसका वर्टेक्स क्या आया, h कामा k, इस पैराबोला का ऑप्शन डी का। तो ये तो है 1 कामा 6, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लिहाजा इट इज़ नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Students, these were MCQs of chapter number 8, first year mathematics। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इससे फ़ायदा हो गया होगा। स्टूडेंट्स हमारा भी आप पे थोड़ा सा हक़ है, आप हमारे चैनल को ज़रूर प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप समझते हैं और आप अगर ये कंक्लूजन आपने कर लिया कि इसका फ़ायदा है, मेरे लेक्चर्स फ़ायदा देते हैं स्टूडेंट्स को, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर माई लेक्चर्स विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आएंगे एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। टिल देन अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।